हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन है, तो हम पहले निकालेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन है हमारा x रेज स्क्वायर y रेज टू द पावर 3 एंड 2x³y³। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट फैक्टर, या आप ऐसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स दो बार, y भी दो बार, ओके। अब जो नेक्स्ट है 2x² y³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x, x × y, y, y। ये हमने एक किस्म से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ओके। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो कॉमन है वो हम कर लेंगे उसे अलग। एक को देखो, सिर्फ एक का देखना है, दोनों का नहीं, दोनों में एक्चुअली x² और y² कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या है, HCF। तो वही लॉजिक है हमारा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही HCF निकालते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -150x 15x³ एंड -45x²। अगर आप इसको ही देखें -150x, अगर तीनों में माइनस आएगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं लेंगे। अब अगर आप इसे देखें तो इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 15 भी। अगर ऐसे नहीं करना तो आप वो पूरा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, ऐसे हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कीजिए। जैसे इसका 3 × 5, ये इजी है, x × x × x। देखो ये है 15 × 10, 15 × 10, तो ये आ गया आपका 2 × 5, ये 10 हो गया और 15 हो गया 3 × 5, और ये आ गया x, ये है 15 × 3, तो ये आ गया आपका। या फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ओके। अब हम कॉमन देखेंगे तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में x आ रहा है, 3 आ रहा है और x आ रहा है, इसके अलावा कुछ और है नहीं, 5 भी है, ओके। तो क्या कॉमन आया तीनों में, 5 × 3 × 5 15x, तो इसका HCF क्या हुआ, 15x। ये आपका कॉमन लेने का मेथड है, 15x आ गया। नेक्स्ट है हमारा इसको फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करने का सेम लॉजिक है जैसे अभी हमने पहले HCF निकाला है ना, वही निकालेंगे हम, ओके। देखिए मैं लिख रही हूँ a² x, a × a × x, फिर आया 4ax, साइन मत लिखिए अब, 2 × 2 × a × x। इसमें कोई नंबर नहीं है तो हम इसको अगर ब्रेकअप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 भी लिख सकते हैं। देखिए अब क्या आ रहा है, a आ रहा है कॉमन और x आ रहा है, राइट। तो आप ये ax ले जाएंगे बाहर। फैक्टराइज का सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि जो कॉमन है हम उसको बाहर ले जाते हैं। अब ये कॉमन बाहर चला गया, यहाँ देखो अब तुम्हें क्या करना है, जो नेक्स्ट सर्कल नहीं किया वो लिखना है। फर्स्ट टर्म में सर्कल क्या नहीं किया, a, ओके। फिर जो साइन है माइनस, सेकंड में क्या सर्कल नहीं हुआ, 2 × 2 = 4, ओके। फिर ये प्लस का साइन, और थर्ड में क्या सर्कल नहीं हुआ, 3x। ये आपका फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज मतलब होता है मेन साइन मल्टीप्लाई। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे a² x आएगा, इसको इससे करेंगे -4ax आएगा, फिर ax को इससे, ऐसे आप ये मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं क्या आपने कॉमन सही लिया है। नेक्स्ट हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो मैं नंबर्स को दो है, ठीक है। अब इसको मैं 2 × 3 और इसको 3 × 3 × 2 लिख सकती हूँ, लेकिन मैं 6 ही लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसके टेबल में 6 × 3 आएगा। तो आप जब ऐसे कॉमन हो तो ये भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप पूरा ब्रेकअप करके भी लिख सकते हो। बाकी इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, ये a 2 times और b 3 times, ओके। क्या कॉमन है, 6 a a a,
नहीं है ए, ये वाला ए हम नहीं लेंगे। और क्या है बी स्क्वायर, तो ये भी और एक और भी, क्या कॉमन गया सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके अब जो सर्कल नहीं है क्या बचा सिर्फ ए, एक ये ए और एक ये ए, ये कॉमन नहीं था ना तो ए स्क्वायर बचा। और यहां पे थ्री बी, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब अगर आप वैसे ही सोचें तो कैसे कॉमन लेना है, ध्यान से देखो जो नंबर्स में कॉमन जाएगा, ये सिक्स है ये सिक्स इंटू थ्री है तो आपने सिक्स बाहर ले लिया। अब पावर देखो जो कम वाली पावर है वो बाहर चली गई और आंसर कैसे आएगा फोर में से टू माइनस हुआ टू है, ये टू में से टू गई तो जीरो ही बचा। अब बी स्क्वायर है और बी क्यूब है तो बी स्क्वायर कम है तो बी स्क्वायर बाहर जाएगा, यहाँ पे भी दो बी सर्कल हो रहा है ना। ओके बी स्क्वायर बाहर गया, अब ये बी स्क्वायर टू माइनस टू जीरो हो गया, थ्री माइनस टू वन है तो एक भी बाहर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अब इसे मैंने जैसे लास्ट आपको क्वेश्चन समझाया मैं वैसे लूंगी, ध्यान से देखो ये थ्री है ये क्या है थ्री इंटू टू और ये क्या है थ्री इंटू थ्री, तो हमारा एक थ्री बाहर चला गया। अब यहाँ पी स्क्वायर पी पी मिनिमम क्या है पी की पावर वन। ओके यहाँ वाई स्क्वायर वाई और यहाँ वाई नहीं है तो यहाँ पे हम फिर नहीं लेंगे। ओके तीनों में होना चाहिए और x यहाँ है और यहाँ है लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसलिए हम यहाँ कॉमन नहीं लेंगे, तो सिर्फ कॉमन गया 3p। अब आप इस 3p को इससे 3 से 3 कट गया p 2 माइनस 1 बचा, जैसे इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। ओके ये माइनस साइन यहाँ पे 3 का गया 2 आया p हट गया y x। ओके और यहाँ पे आ गया आपका 3 एक चला गया 3 बचा और वाई क्यूब पूरा ही है और p बाहर चला गया, ये p और यहाँ पे एक p बाहर चला गया। यानी जब आपने कॉमन लिया है तो इनको इनसे डिवाइड करके यहाँ लिखते जाइए या जो मैक्सिमम पावर है जो मैक्स पावर जो है इसमें p का ये माइनस करते जाए, टू माइनस वन वन बचा, ये वन से वन कट गया वन से वन कट गया, जो भी आपको लॉजिक लेना हो। और अगर आपको पहले वाला मेथड आसान लगा है तो आप वो ले लो, जो आपको लेना है आप वो ले लेना।